नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टूडेंट वीजा के इस चैनल पे। अलग अलग अपडेट इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, कोई डेवलपमेंट आती है, आप तक टाइमली पहुंच सके। सो आज हम बात करेंगे कैनेडा के सितंबर इनटेक की। दो तरह की डेडलाइन होती है, एक होती है एडमिशन की डेडलाइन, एक होती है कि एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन एक आइडियल डेडलाइन जो हमें पता होती है कि तब तक आपकी फाइल लगनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट भी आना है, उसके बारे में भी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो अगर एडमिशन की बात करें, अप्रैल आ चुका है। अप्रैल के बाद आपको पता है कि 4 महीने का ऑलमोस्ट टाइम बचा है, फिर सितंबर भी आ जाएगा, तो उसके बाद ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी सितंबर वालों की। लेकिन उससे पहले जो ये 4-5 महीने आपके पास बचे हैं, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि 4-5 महीने का टाइम है उसके बाद मैं देखता हूँ, या आप इसको थोड़ा वेटिंग टाइम की तरफ ना लेके जाएं कि हम वेट करते हैं महीने बाद एडमिशन कराएंगे। तो अगर एडमिशन की डेडलाइन की बात करते हैं, हालांकि अभी एडमिशन चल रहा है सितंबर का, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल पूरे मंथ चलेगा, मई में जाके आपको सीट्स वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, या डेडलाइन जो मैक्सिमम कॉलेजेस की है, कुछ की अप्रैल एंड में भी है लेकिन मई में मैक्सिमम की आ जाएगी, कुछ की जून में भी चली जाएगी, लेकिन तब तक सीट ही नहीं बचेगी, तो उस डेडलाइन का कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है क्योंकि मई आने वाला है, अगर मई के रिजल्ट लेट हुए, मई वाले क्या करेंगे, डेफरमेंट की तरफ जाएंगे सितंबर की, तो सितंबर में सीटें पहले कम हो जाएगी। जनवरी से कईयों को डायरेक्ट सितंबर डेफरमेंट मिला पिछले इनटेक में, तो भी सितंबर की सीटें कम हुई है। अब नई एडमिशन भी चल रही है। सो अगर जो आपका पसंदीदा कोई ऑप्शन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको 4-5 महीने पहले से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस है, फीस चाहे रुक के कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम है कि आप अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर लें। 2-3 ऑफर लेटर होंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, फीस की एक डेडलाइन आती है। तो अगर सितंबर इन डे का ऑफर लेटर आपने अप्लाई करना है 0 प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 9041090410 इस नंबर के ऊपर। अब क्योंकि एडमिशन में टाइम लगता है, ऑफर भी 2 वीक लेगी, 3 वीक कहीं कहीं लगते हैं, फिर GIC कराना है, फीस पे करनी है, अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी है, कई तरह के आपको जो काम करने पड़ते हैं, तो 1.5-2 महीने तो नॉर्मली इस चीज में निकल जाते हैं, फिर जाके एम्बेसी के लिए फाइल रेडी होती है। तो अगर आप अप्रैल में स्टार्ट करते हो, तब जाके जून में आपकी फाइल लगेगी। तो कहने का मतलब साफ साफ है, जून में फाइल लगती है, बायोमेट्रिक होने हैं, उसके बाद जुलाई अगस्त 2 मंथ का टाइम बचता है रिजल्ट की वेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम आप लेके चले। मेरी एडवाइस है कि लेट टू लेट जून तक आप अपनी फाइल जो है, हालांकि बैसे की तरफ से ये ऑफिशियल डेडलाइन नहीं है, ऑफर लेटर के लिए अप्रैल में अप्लाई कर ले, इससे लेट ना करें, क्योंकि मई में ऑप्शन बहुत कम रह जाने हैं, डेफरमेंट आगे होगी तो सितंबर और छोटा हो जाएगा। एप्लीकेशन बैसी में जो लगानी है वो जून तक आप लगा दें, ताकि आपका रिजल्ट के लिए 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हो। तो ये डेडलाइन को लेके थी, एडमिशन और बैसी को लेके। सो दोनों सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिए। किसी को कोई फर्दर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप हमें विजिट कर सकते हैं लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, जहां वीजा ऑफिस जो कि 10 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमें आप कॉल भी कर सकते हैं 9041090410। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।